गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट जो सब जुडिशियल केस, उसके बारे में देखेंगे कि आईपीएस पीओ मेंस मार्क्स कब तक आ सकते हैं, एनआईसीएलओ मेंस एग्जामिनेशन कैसा रहा, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के बारे में बात करेंगे, आईपीएस पीओ क्लर्क रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, NICL असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे ESIC के बारे में, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं उनके बारे में, और जो रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो जो पोर्शन आपको देखना है, आपसे कंसर्न है, वो देखिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय, लेट्स बिगिन। सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई असिस्टेंट 2017, द केस इज सब जुडिस एज यू ऑल नो। ये एक्सपेक्टेशन थी कि 28 फरवरी को कुछ ना कुछ वर्डिक्ट जरूर आ जाएगा, लेकिन ऑनरेबल जज वाज ऑन लीव। ये आपको बता दें कि आरबीआई ने एक दिन पहले यानी ऑन 27th आरबीआई हैज सबमिटेड एन एफिडेविट। ठीक है, उस एफिडेविट में है क्या? तो उस एफिडेविट में जो तीन अलग अलग पेटिशनर्स हैं, जिसमें श्री करण सिंह, केशर सिंह जोनवाल एंड अदर्स वर्सेस आरबीआई, मिस रागिनी रविंद्र जोशी वर्सेस आरबीआई एंड मिस नेहा राकेश मेश्राम वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस आरबीआई, ये तीनों केसेस को लेकर एक एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके एक एजीएम लेवल के ऑफिसर ने आरबीआई के बिहाफ पे डाला है। तो मेनली ये एफिडेविट कह क्या रही है के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो 10 जनवरी को कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट है डायरेक्टेड द बैंक टू गेट द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT फ्रॉम अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्रोफेसर्स इन मराठी। ठीक है, एंड डायरेक्टेड द रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी टू नॉमिनेट अ कमिटी ऑफ 3 एक्सपर्ट्स फॉर द सेड इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या हुआ, उसी ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए, मानते हुए, द बैंक एड्रेस लेटर टू द रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिक्वेस्टिंग टू नॉमिनेट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्रोफेसर्स इन मराठी, ताकि वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो है वो चेक कर सके। 18 जनवरी 2019 को यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एड्रेस लेटर टू द बैंक नॉमिनेटिंग अ पैनल ऑफ 3 एक्सपर्ट्स इन मराठी टू इवेल्युएट द 602 आंसर शीट्स। आउट ऑफ 666 कैंडिडेट्स ओनली 602 appeared for LPT। ठीक है, ये 666 का आंकड़ा था, तो उसमें से सिर्फ LPT के लिए 602 लोग appear हुए, तो उनकी ही answer sheets दी जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ, the committee has assigned marks to each question and the paper carried total 100 marks. The bank had concealed the names and roll numbers of all the candidates before handing over the answer sheets of LPT. ठीक है, तो जो LPT, अब जो कमिटी है उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये शीट जो है वो किसकी है। The bank had fixed qualifying marks for different categories of candidates. The LPT is only qualifying test, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, and no bearing with determining the ranking of the candidate. इसके बाद क्या हुआ next, कि on 11th February 2019, the committee submitted the evaluation sheet along with evaluated rank. ठीक है, एक उन्होंने main sheet बना दी, किनके कितने number आए हैं, कौन qualify है, नहीं है, और उसके बाद answer sheets भी उनको bank को लौटा दी। अब इसके बाद The result of the LPT, ये RBI कह रही है कि is to be intimated to the candidates individually and will not be published on the bank's website. Upon getting necessary orders from the Honorable Court, the bank will intimate the candidates the result of LPT qualified as well. मतलब दोनों के आपके पास मेल में intimation आएगी। अब इसमें क्या है, LPT के बाद biometric and document verification भी होगा, लेकिन आपको पता होगा कुछ लोगों का LPT document verification पहले ही हो चुका है, तो जो लोग common है उनका नहीं होगा, बट वो लोग जो पहले नहीं थे इसमें लेकिन अब LPT क्वालिफाई कर गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड DV होगा। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिनका हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन में जिनका नाम आता है एज पर द कैटेगरी जनरल SC SC OBC, तो उसके ऑन बेसिस ऑफ मेंस मार्क्स, उसके बाद क्या होगा कि कैटेगरी वाइज सिलेक्ट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली अगेंस्ट द कैटेगरी वाइज नोटिफाइड वैकेंसीज जो एडवर्टीजमेंट में थी, indicated in the advertisement dated October 18, 2017, will be uploaded on the bank's website. और उसके बाद, therefore, the bank will declare the final result and publish the select list on the website. ठीक है? तो जो court का order था, वो सारा
आरबीआई ने कंप्लाई करा है, वो इवेल्यूशन पूरी हो चुकी है, तो 28 फरवरी को तो ये सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद है कि ये सुनवाई जल्दी ही पूरी होगी और जो कैंडिडेट्स हैं आपको एलपीडी का इंटीमेशन आपके मेल पे आ जाएगा। तो अगर किसी कैंडिडेट्स को ऐसा आता है तो वो जरूर इंटीमेट करें ताकि हम शेयर कर सकें अपने व्यूअर्स के साथ और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये रास्ता खोल देगा आरबीआई असिस्टेंट 2018 के लिए, अब तो 19 कह लीजिए, जिसमें 18-19 दोनों को मिक्स करके वैकेंसीज आएंगी और वो वैकेंसीज कम से कम 1000 होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। पढ़ते हैं आगे, एसपी जूनियर एसोसिएट्स, ठीक है, काफी नजदीक से हमने ट्रैक करा इसको और अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। तो आपको पता है 21 जनवरी को पहली वेटलिस्ट आ गई थी, तो जो फर्स्ट वेटलिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और एक्सटेंशन लिया था कुछ लोगों ने, जिन्हें फर्स्ट जैन को ज्वाइन करा, फर्स्ट फैब को ज्वाइन करा और 3 महीने वाले फर्स्ट मार्च को ज्वाइन करा, तो इन तीनों का प्लस वो वेटलिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ट्रेनिंग हैज बीन कमेंस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st मार्च। जो मेंस कैंडिडेट्स थे उनकी ट्रेनिंग कहां पे हुई थी, 2 वीक्स इन SBI लर्निंग सेंटर फॉलोड बाई 4 वीक्स इन अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक मणिपाल, नीट, MAT। बट इस केसेस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली दे हैव बीन सेंट फॉर 4 वीक्स ट्रेनिंग इन डिफरेंट SBI LCs, मतलब लर्निंग सेंटर, SBI के अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लर्निंग सेंटर्स में। नेक्स्ट वेट लिस्ट पता ही आप लोगों को 20 अप्रैल को आ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे दूसरे एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे ESIC के रिजल्ट आ गया अभी 1st अप्रैल को, अभी PSPO का रिजल्ट आएगा, तो आप अभी तो 300-400 का अंदाजा लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये लिस्ट 650-650 का भी हो जाए, तो उम्मीद मत छोड़िएगा, लेकिन साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। और ये जो लिस्ट आएगी उनकी जो ट्रेनिंग है वो टेंटेटिव डेट बता रहा हूं, वो 3 जून 2019 से शुरू होने की संभावना है और आप लोगों का भी इसी पैटर्न पे 4 वीक्स की ट्रेनिंग जो होगी शायद वो SBI LCs में होगी। बढ़ते हैं आगे, IBPS PO के मार्क्स के बारे में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे। तो देखिए जो पैटर्न देखा गया, ट्रेंड देखा गया है पिछले साल में, तो आप ये देखिए जो IBPS SO के इंटरव्यू है वो अभी चल रहे हैं और शायद आज या कल में ये खत्म होने वाले हैं, और जैसे ही ये खत्म होते हैं उसके बाद IBPS PO के मेंस के मार्क्स आ जाते हैं, तो ये मान के चल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी डिक्लेयर्ड दिस वीक या आने वाले मंडे को, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट तो आपको पता ही है 1st अप्रैल 2019 को लगभग दिन के 12:30-12:30 के करीब ये डिक्लेयर होते हैं, साथ साथ में IBPS क्लर्क का भी रिजल्ट ऐसे ही आता है। बात करते हैं NICL असिस्टेंट 2018 की, तो इसमें देखिए ट्रेनिंग फॉर दोज हु जॉइन इन 1st फरवरी, इसमें बहुत लोगों की ट्रेनिंग 11 से शुरू हुई, 18 से शुरू हुई, फिर 22 से शुरू हुई, तो ये पूरे भारत में जो है ट्रेनिंग वो 15 मार्च तक सभी जो मेन सेलेक्टी लिस्ट है उनकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये पता लग जाएगा कि कितने लोग रहे कितने लोग गए, क्योंकि ज्वाइन के बाद भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद काफी सारे रिजल्ट आए हैं जिसमें प्रमुख है ESIC SSO का रिजल्ट। तो अप्रैल 1st वीक टेंटेटिव मान के चल सकते हैं कि फर्स्टली वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और बड़े बड़े स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु और मतलब जितनी वैकेंसीज थी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में अच्छी एक लिस्ट आने की संभावना है, और ज्वाइनिंग इसकी आप सोच सकते हैं कि ये मई या जून में इसकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर, NICLEO 245 वैकेंसीज, बहुत शानदार वर्क लाइफ बैलेंस, मेंस एग्जाम जो है वो 2 मार्च को कंडक्ट हुआ, रिजल्ट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो आप जो ट्रेंड देखा जाए उसके हिसाब से 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच इसका रिजल्ट आना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करें, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। देखते हैं ESIC SSO, ये तो हम कहेंगे कि जो 539 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए दे आर वेरी लकी, इतने सालों बाद ये रिक्रूटमेंट आया, ठीक है, और कई लोगों को पता ही नहीं लगा, हालांकि हमने अपने इसको पोस्ट जरूर करा था अपने कम्युनिटी टैब में भी और यहाँ। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे रिक्रूटमेंट्स आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस है, और अभी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, और आप देखिए ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उनके हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, ठीक है, और शायद कल काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है ESIC को लेके, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्घाटन करने वाले हैं जो समाचारों में भी है, ठीक है, इसके बाद EPFO के साथ इसका कुछ एमलगमेशन होने वाला है, तो ये बहुत शानदार वैकेंसी निकली और जिनका हुआ है बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और देखिए अब 20 फरवरी को रिजल्ट तो आ चुका था और जैसा कि हम हमेशा कह रहे हैं कि मार्च एंड में इसका इससे पहले ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, तो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है आप ये मान के चलिए कि इस शुक्रवार यानी 8 मार्च 2019 से पहले आपके पास आ जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं, 1 is physical mail at your address mentioned in the application form, एंड 2nd जो होता है एड्रेस जो है वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। देखिए बहुतों का तो क्या है कि परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेम है, लेकिन बहुत लोग क्या है कि परमानेंट कहीं से हैं, सिटीज में रह रहे हैं, पेरेंट्स की पोस्टिंग है, तो टेम्प्रोरी अलग है, परमानेंट अलग है, तो ये जो आएगा वो आपका
शायद जो है करस्पॉन्डेंस सेंटर जो लिखा है आपने मेनली टेम्पररी होता है वहां पर आएगा और आपको मेल भी आना चाहिए जो जो कि हर रिक्रूटमेंट में होता है। अब ज्वाइनिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल या उससे पहले होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में कभी भी आप श्योर ही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गट फीलिंग यही कह रही है कि 1 अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग होनी चाहिए इसकी। और जो लोगों का कहीं और हो गया है असिस्टेंट में ये वो, तो एक बार जरूर आप अपने नजदीकी ESIC SSO ऑफिस जो है वहां पर आप चले जाएं और वहां पर उन किसी से किन्हीं से बातचीत करें, अपने सीनियर से वर्क लाइफ बैलेंस देखें, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहां का क्या काम करना पड़ता है वो थोड़ा सा देखें आप, उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। क्योंकि आप जैसे हमने पिछले वीडियोस में पेपर के बारे में बताया, इस क्लास सिटी में आपको 60+ मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसके बाद अलाउंसेस काफी सारे हैं वो डिस्कस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो और सेंट्रल पे कमीशन के अंदर आता है ये, ठीक है। तो 2016 में अभी 7th पे कमीशन आया था, अभी देखिए 2026 में आने वाला है। हाँ, और आप ये देखिए UDC की काफी सारी वैकेंसीज आई हैं, ये बताती हैं कि इसका बहुत एक्सपेंशन जो है वो ड्यू है और बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो जहां भी एक्सपेंशन होता है तो जो प्रमोशन के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है आप 3 से 4 साल में आप AD बन जाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ फिर कुछ सालों में आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाएं, ठीक है। तो वो सब आप देख लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी NICL असिस्टेंट में हैं, जो ऑलरेडी NABARD असिस्टेंट में हैं, या कहीं PO में हैं, बैंक क्लर्क हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग्स के बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। बाकी दिस इज अ वेरी आप शानदार जॉब आई विल से। बढ़ते हैं आगे, रिक्रूटमेंट जो है अंडरवे, आप देख सकते हैं IBPS PO क्लर्क सारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 अप्रैल 2019 को आएगा। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल के एग्जाम्स जो हैं अब आप ये देख लीजिए 11 से 15 तक होने वाले हैं, इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। इन हैंड सैलरी इसकी भी करीब 30,000 जाती है, बहुत अच्छा जॉब है, डिफेंस का जॉब है। और इसके बाद नेहरू युवा विकास केंद्र NYKS है, इसकी भी रिक्रूटमेंट अभी है, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद अकाउंट, ठीक है। ये भी इसमें डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर जो पोस्ट है वो काफी शानदार है। कैनरा बैंक PGDBF की भी रिक्रूटमेंट है, उसके बाद अलाहाबाद हाईकोर्ट AR जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है वो काफी शानदार पोस्ट होता है। और इसके बाद NICLAO की रिक्रूटमेंट भी अंडरवे है। इसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट की बात करें तो पिछले वीडियोस में हमने और कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हैं वहां पर लिंक दे चुके हैं, ESIC UDC की बहुत सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज आई है, NTRO की भी वैकेंसीज आई है, उसके बाद LIC AAO की जो मच एंटिसिपेटेड वैकेंसीज थी वो आई है, उसके बाद सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज, उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये काफी सारे रिक्रूटमेंट्स अभी हैं, डेट्स खुली हुई हैं, आप इनके लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप हमारे कम्युनिटी टैब में जा सकते हैं या पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे रिक्रूटमेंट के लिंक्स दिए हुए हैं, या आप डायरेक्टली आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जस्ट पुट इन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, हम जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें मिसलेनियस रिक्रूटमेंट जो आने वाली है, देखिए SBI PO, SBI जूनियर एसोसिएट्स, RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट, UIIC असिस्टेंट, इसके अलावा आप देखिए SSC CGL आने में वो है ही, उसके बाद SSC CHSL है, ठीक है। तो काफी सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, कुछ निकल जाए, आप सारे रिक्रूटमेंट्स को फिल करिए, तैयारी करते रहिए। एक टाइम आएगा जब आप देखिएगा कि आपके 5-6 में सिलेक्शन हो गया और फिर आप हमसे पूछ रहे हैं कि किस में जाना है। ऐसे बहुत सारे व्यूज थे लास्ट ईयर जो काफी सालों से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उनका सिलेक्शन कहीं पे मेंस में रुक जा रहा था, इंटरव्यू में रुक जा रहा था, लेकिन उनकी मेहनत के कारण अब ऐसा आया है, हमें मेल भी करते हैं, बहुत खुशी होती है कि उनका 3-4-5 जगह सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी वैसा बन सकते हैं, ठीक है, बस जो मेहनत है वही आपको दूसरों से अलग करेगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट है, आनी है, वो आई जाएगी, ठीक है, आपकी तैयारी है बस। अब ऐसा तो है नहीं कि वॉर होगा तब आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर, ठीक है। तो हमेशा तैयार रहिए किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, और का ये 2019 हम हमेशा कह रहे हैं कि इट इज एन ईयर ऑफ एस्पिरेंट्स, आप सभी का ये साल है, आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब PSUs में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जरूर मिलेगी, और हम अपकमिंग नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, या और कोई जानकारी हो, या GA सेशंस हो, वो जरूर लाते रहेंगे, आपका साथ यूं ही बना रहे। तो देखिए दुखी होने की कोई बात नहीं है, कहीं मेंस हुआ, प्री हुआ, इंटरव्यू हुआ, इस साल आपका जरूर कहीं ना कहीं होगा। सिर्फ 2 पंक्तियां आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि आपने ट्राई करा, ठीक है, ट्राई करना भी बहुत बड़े एक बात होती है, कंपटीशन में हिस्सा लेने भी बहुत बड़ी बात होती है, कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
वो तफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आज आप गिरे हैं, फिर आप उठे, गिरे फिर उठे, और एक दिन आप दौड़ना शुरू कर देंगे, मंजिल आपकी आंखों के सामने होगा। तो दोस्तों, बिना किसी रुके आज बहुत ही पावन अवसर है, आप एक दृढ़ निश्चय लें कि आज से आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट उसको डिसाइड करते हुए हर दिन 7 से 8 घंटे अगर आप काम भी करते हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी रहेगी तो क्या RBI असिस्टेंट, क्या SBI PO, क्या और SSC CGL SHSL सब में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जनरली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GK थोड़े कंप्यूटर्स और डिस्क्रिप्टिव में प्रेसी राइटिंग लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ बैंकिंग फाइनेंस आइटम्स के क्वेश्चन। इतनी तैयारी हो गई तो कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा, क्योंकि 2019 आप सबका टाइम आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।